का था, बचपन भी कमांड का था। खेलते खेलते चाहे छत पर सोए, खेलते खेलते चाहे छत पर सोए या फिर जमीन पर, या फिर जमीन पर, आँख तो बिस्तर पर ही खुलती थी, आँख तो बिस्तर पर ही खुलती थी। धन्यवाद। अरे बात, क्या बात है, आपने कहा बचपन कमाल का था, आपका तो बचपन अभी भी चल रहा है। तो निश्चित है आप इतनी अच्छी शायरी बोलती हैं, तो मतलब कहाँ से सीखा आपने? मुझे ये सब दादा दादी और मेरी मदर की वजह से ही मैं इतना अच्छा शेर और कविताएं बोल पा रही हूँ। क्या बात है, तो आपको मतलब शेर कविताएं इसके अलावा और भी कुछ आता है? यस, मैं एक गाना गा सकती हूँ। तो मैं गांधी जी पे गाना गाऊंगी। अभी हमने 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाया था। चलिए तो इस गाने से हम उन्हें याद करते हैं। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दुश्मन के किले पर भी नकी तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब क्या करामात दिखाई, वारे फकीर खूब क्या करामात दिखाई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। वाह क्या बात है, मतलब आपकी कविता और आपका गाना सुनकर मेरे मुख पर एकदम ऑटोमेटिक मुस्कान आ गई। आप कैसे शेर भी कविताएं भी और ये मतलब गाना भी गा लेते हैं, कैसे इतनी कम उम्र में? जैसे कि दादी और मम्मी तो मेरी बिजी रहती है, दादी बाबू पकड़ती है और मम्मा किचन संभालती है, और दादा फ्री रहते हैं तो दादा ही मुझे ये सब जीके सिखाते हैं। मॉडर्न साइंसेस मेरे दादा ही मुझे घर पे सिखाते हैं, जीके मुझे दादा ही जी सिखाते हैं, और मैं दादाजी से ही पढ़ती हूँ, तो दादाजी मुझे ऐसा पढ़ाते हैं कि मैं एक बार रिवीजन कर लेती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ मैं दादाजी की वजह से ही ये सब कर पा रही हूँ। बात क्या बात है, इसका मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, इनका कितना अहम रोल होता है एक बच्चे के जीवन में, जो क्योंकि माँ बाप जो है वो अक्सर बिजी हो जाते हैं काम में, तो जो दादा दादी नाना नानी ये कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और आपको साफ देखने को मिल रहा है कि निशिता कितनी टैलेंटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पर्श से।